इस्तेमाल भैया वाह तोहर तो बॉम्बे वाली पतो पूरा गांव घर के नाम ऊंचा कर देले भैया ऐसे कहल बा पढ़े लिखे नारी फैलावे उजियारी वैसे मर भैया तहार पतोहु साबित कर देली कि गांव के स्कूल के पढ़ाई लिखाई में रंग ढंग नहीं है तोहरे यहाँ के बहू 16 आना ना 18 आना बा खुश कर देलू बहू खुश कर देलू सारा गांव में तोहरे चर्चा बा बहू तोहरा ब्याह में तो हम कुछ ना दे पाऊंगी तोहरे खातिर मांग टेका लिया बनी लेला अरे इसकी क्या जरूरत अरे लेला हाँ अरे उ का कहल जाला टाय 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 टैलेटवा हाँ बहू आप तोहरा के बाहर टैलेटवा खातिर ना जाए के पड़ी हम फैसला कर ले बानी कि हम सेफ्टी घर में ही बढ़वाए अरे बाहर का है खाना बारे रे भीतर लेके आओ देखत का बाले नीचे रख बहू तू सहरिया बारू ना अक्सरे पर बैठा तो यही से हम अंग्रेजी लिया बानी ठीक बा ना इट्स ओके अरे ओके ओके छोड़ा तनी बैठ के दिखावा अब ससुर के सामने पता बैठी हाँ बात तो ये ठीक है बा तो तू बैठ सकलू ना बैठा हम काहे बैठी रुआ बैठ के देखी ना भाई देखो एमे लाल शराब के कौन बात बा भाई बैठे वाला चीज बा बैठल जाई लागत है सरवा नकली माल दे ले बा जी की लकारी भाजी बबुआ खेले अंगना
अरे बेटा जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये तुम हो क्या? चाचा जी, आने से पहले खबर तो कर देते। अरे नहीं बेटा जी, मैं तो तुम्हारा हाल देखने आया था। तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा हाल बेहाल हो गया है। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं जानना। सदा सुखी रहो, अब मैं चलता हूँ समधी जी, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जाता नहीं जाता नहीं, कहले वाले समधी जी ढेला मारे ऐसा। क्या मर जैसा? अरे ढेला मारे ऐसा मतलब जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। अरे वाह, ये तो भोजपुरी बोलना भी सीख गई। ससुर जी भोजपुरी के रंग होबे ऐसा करे, कौनो रंग पे चढ़ जाला। चाचा जी हाँ? वो देखिए, उस कोने से लेके वहाँ उधर तक हमारा खेत है। तुम्हारा खेत? हाँ हाँ हमारा। अच्छा बताइए वो ट्रैक्टर कौन चला रहा है? अरे होगा कोई नौकर। नौकर नहीं, वो चला रहे हैं। वो कौन? अरे पप्पू के चाचा जी, आपके दामाद। और कौन? अरे तो ऐसा कहो ना कि निरहू चला रहा है। हाँ हाँ वही। अच्छा तो अब तुम निरहू का नाम नहीं लेती? वो गांव में कोई और पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती तो मैंने भी नाम लेना छोड़ दिया है। आपको पता है ये कितने मेहनती हैं? पूरी खेती अकेले ही संभालते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी एक बंधन है, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि गांव के लोग एक दूसरे को बांध के नहीं बल्कि एक दूसरे से बंध के रहते हैं। एक बात कही सब्दी जी, रउआ बहुत मजेदार आदमी बनी। ये चार दिन कैसे कट गई पता ही नहीं चलल। आप सही कह रहे हैं समधी जी, अगर मेरे ऑफिस का काम नहीं होता तो मैं दो चार दिन और रुक जाता। एक बात कहना चाहता हूँ समधी जी। कहिए। जिस लड़की को हम सारी जिंदगी सुधार नहीं सके उसे आप लोगों ने 6 महीने में सुधार दिया, इसके लिए मैं आपका और आपके परिवार का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। कर कोनो जरूरत नहीं के। आप सुनिए समधी जी, सोना रहुए बेटी ना, अब हमार बेटी बनी। हाँ। हमार बेटी। चाचा जी हाँ? इठेकुआ और भेली है, माई दे लिया। अच्छा समधी जी मैं चलता हूँ। बेटा समधी जी के छोरा वालों जाता नहीं। चाचा सदा सुहागन रहो बेटी, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। आए चाचा। और चाचा जी सुना है गांव गए थे, क्या हाल है मेरी सोना की? ये तस्वीरें हैं, खुद ही देख लो। ओ माय गॉड, इसका तो पूरा हुलिया ही बदल गया है। प्यार सब कुछ बदल देता है बेटा। प्यार? किसका प्यार? किसका प्यार? अरे उसके पति निरहुआ का प्यार, और किसका प्यार? क्या बकवास कर रहे हो, वो उस गंवार से प्यार करेगी? मैं अपनी इन्हीं आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अरे सोना के रग रग में निरहुआ बसा हुआ है, वो खुद नहीं जानती कि वो उसे कितना प्यार करती है। मैं यकीन नहीं करता। अरे तुम्हारे यकीन करने या ना करने की परवाह किसे है? मुझे उसकी परवाह है, मैं उससे प्यार करता हूँ। घंटा करते हो तुम, सोना से नहीं उसकी ये दौलत से प्यार करते हो। अब तुम्हारे हाथ में आएगा घंटा, उसको पकड़ के हिलाना। टन 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 टन। चाचा जी गेट आउट। चाचा जी तुम यहाँ से जाते हो कि तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊं? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। बस एक बात हमार मान लेती, चिरकुट पहनल छोड़ के मस्त लुग्गा पहन के घूंघट निकाल के हमरे सामने आ जाए तू, साला हमार करेजा जुड़ा जाए। ए जी
कन्हैया गोरी हम जिंदगिया बिताई देबो हो। दबा के अकोरा हो जाए। कुछ कहनी है का? ना ना कुछ तो ना। इडियट, इस बेवकूफ की जगह कोई और होता ना तो मुझे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता। कुछ कह लो का? ना, चली खाना खाएं। ली खाना खाएं। अपना हाथ से खिया देती तो का हो जाए। का कहनी है? ना कुछ ना। बेवकूफ, अगर प्यार से मुझे कहते तो मैंने अपने हाथ से खिला देती। का कलुआ? कुछ नहीं। का बोल सोना? काहे कोहा गेलो? पहला बेर खाना लेके आइल बानी, खाए के ना पूछ सकत रहनी है का? जा, अब तो ये सब झूठा हो गए। रुकी, हम फिर से खाना। अरे रुका ज्यादा, आज तो तोरा के देखिए कि पेट भर गई। तब फिर हम जाता नहीं? हाँ जा। जाई? जा। ठीक बा, तब हम जाता नहीं। जा। ए जी, ये डोरी बंधात नहीं खे, तनी बांध दी ना। हम कैसे बांध दी? अरे रुकी, कहाँ जाता नहीं, बांध देब तो का हो जाए? अरे काहे ना हो जाए,
बांधे में तो के छुए के पड़ी। रवा बांधी ना, छुए के इजाजत हम देता नहीं। आई चाचा, ये रवा सकल रहे माने का होला?
टोनी? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ से ले जाने। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अगर मुझसे कुछ बात करनी थी तो तुम्हें मेरे घर आना चाहिए था। इस तरह मेरा रास्ता रोककर तुम गांव में मेरे घर वालों को बदनाम कर दोगे। घर वाले? कौन से घर वाले? जिनके साथ पिछले 6 महीने से तुम बहू बनने का नाटक कर रही हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश संभाल कर बात करो टोनी। Come on, darling, चलो मेरे साथ। बहुत बर्दाश्त किया तुझे साली कुतिया। ए हरामखोर, तोड़ा हिम्मत कैसे फैल रहे हमरा बहू पर हाथ उठावे के? गोल लगाता नहीं है चाचा। अरे बाप रे, पूरा फैमिली भाई। था बुढ़ऊ, चुपचाप तमाशा देखा, नहीं तो काट के रख दे पूरा परिवार के। ओहो, तो ये हैं तेरे परिवार वाले जिनकी इज्जत की तू दुहाई दे रही थी। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाल के तू इनको बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। मुंबई के नाइट क्लबों में अपनी जवानी को रोशन करने वाली अय्याश कुतिया गांव में आके इज्जतदार बन गई है। तेरी असली औकात क्या है मैं दिखाता हूँ। आज तेरी असली औकात पूरा गांव देखेगा, पूरा गांव। तेरी बहू है, नाटक कर रही है साली, नाटक। पिछले 6 महीने से तेरी बहू बनने का नाटक कर रही है। ए साला, हमरा के तो पहले ही शक रहे कि अनहरा के हाथ में बटेर कैसे लग गई। ए टोनी भाई, खोला खोला खोला। ए साले निरहुआ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला। ए चच्चा, सोना तो सुन बुड्ढे। मरने से पहले इसके बाप ने एक वसीयत की थी कि जब तक ये शादी नहीं करेगी उसकी प्रॉपर्टी का एक पैसा भी इसको नहीं मिलेगा। तो मजबूरन इसने जेल में जाकर तेरे बेटे से शादी का नाटक किया, ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में तेरे बेटे को फांसी हो जाएगी और ये शादी के बंधन से आजाद हो जाएगी। तेरा बेटा बच गया लेकिन ये साली फंस गई। मरती क्या ना करती, फिर इसने निरहू से एक करार किया, ये उसकी पत्नी बनकर गाँव में 6 महीना रहेगी और उसके बदले तेरा बेटा देगा तलाक। हमने क्या हसद खेला जिनकी में आग लगा व्याल बटे? कहा दे बिटिया, कहा दे कि सब झूठा झूठ। अरे तू कुछ बोलत का है नहीं की? अरे ही का बोली साली, एकर तो बोलती है बंद हो गई बिया। ए टोनी भाई, ससुरी गांव में आधा नंगा कपड़ा पहिर पहिर के कलेजा में आग लगावत रहे भाई, तनी एकरा के पूरा नंगा करा ना, देखी कैसे लागे ले कराना पूरा नंगा। दिखाता हूँ बबलू भाई, पहले इसे सुहागन से रांड तो बना दू। याद है तूने पानी से अपनी मांग धोई थी, आज मैं शराब से धोई। सुहागिन के सिंदूर धोए में तब भगवान के पसीना छूट जाई, तब तोर का औकात है। अच्छा हुआ तू भी आ गया, बहुत दर्द दिया है तुम दोनों ने, आज एक दर्द का हिसाब लूंगा। साला सारी कुकुर मुत्ता तोनी के अपना माई के दूध के भी हिसाब करेला सर, लेकिन गांव है और गांव के हिसाब ही है कि यहाँ मारल जाला 100 को और गिनल जाला 1। Oh, my God.
निरहू माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। के रहल रही है हरामी, औका कहत रहे तोहर नकली ब्याह बा आ तू ओके तलाक दे में। सच सच बताओ बात का बा, अरे बोलत कहीं नहीं के। आज छह महीना हो गई, पूरा छह महीना, और इस छह महीना में हमसे करार कैल हर शर्त के पूरा कैल, एगो पतोह के देवरानी के भौजाई के चाची के रिश्ता के इतना बढ़िया से निभालो कि कबो कबो तो हमके भी धोखा हो गए। हम जाना था नहीं तो हमरा से पीछा छोड़ावे खातिर हर तकलीफ के बर्दाश्त कर ले लो, तो अपन फर्ज निभालो, अब फर्ज निभावे के बारी हमार बा। आज हम तोरा के तलाक दे देनी। इरल तलाक ना। जाए के तैयारी करो।